जोक। मुझे फोन करती है मैडम और कहती है कि मुझे आके पिक करना। जब मैं यहाँ पहुंचता हूँ तो खुद ही गायब। अरे अगर कहीं और जाना था तो मुझे क्यों फोन किया? ड्राइवर समझ के रखा है। हाँ यार, मिसेस पटेल की क्लास कैंसिल हो गई। I'm so glad यार, तो महा बोर है। हाँ नहीं यार, मैं पिक्चर के लिए नहीं आ रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ यार, आज मैं घर जल्दी जाऊंगी, रिलैक्स करूंगी। अभी ये यू टर्न कहाँ मिलेगा? अच्छा सुन, मुझे एक और कॉल आ रही है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, बाय बाय। हेलो नाना जी। नमस्ते नाना जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। खुशी हमारे घर आना चाहती है? ऑफ कोर्स नाना जी, ये कोई पूछने की बात है? बिल्कुल, लेकिन आप एक शर्त में हमारे घर पर आ सकते हैं, आपको हमारे साथ लंच खाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नाना जी, लेकिन आपको हमारे घर का पता पता है? खुशी तो सिर्फ एक ही बार आई है हमारे घर, वो कैसे बताएगी? अच्छा लिखिए, B12 साई श्री जी मॉडल टाउन। क्या है ये चला रही है? चुप, आज तो बुरी तरह से फंस गया तू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन है ये? तुम। अच्छा तो आप हैं? ऑफ कोर्स, मुझे तो पहले ही पता होना चाहिए था कि इस गाड़ी में कोई अनाड़ी ड्राइवर चला रहा है, तभी तो टक्कर हो गई। मुझे पता है, जरूर तुम गाड़ी चलाते चलाते अपनी किसी सहेली के साथ फोन पर गॉसिप कर रही होगी और ठोक दी ना मेरी गाड़ी। अच्छा, और तुम्हें तो ड्राइविंग के बारे में बहुत पता है, इतने लंबे हो गए लेकिन अभी तक इतना भी नहीं समझ आया कि जब गाड़ी रोकनी होती है तो सिग्नल देना पड़ता है, टक्कर तो होनी थी ना, तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं? आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। एक तो गलती करती हो और ऊपर से गुस्सा भी करती हो। अच्छा, और अगर यही बात मैं तुम्हारे बारे में कहूँ तो? तुम्हारी गलती है, तुम्हारा काम है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये गाड़ी चलाना नहीं आता, फोन करती है। नहीं, मैं तो काम नहीं किया। अरे तुम ज्यादा बोलेगा तो पुलिस स्टेशन लेके जाएगा, वहां जाकर बात करो। पुलिस स्टेशन? हवलदार साहब, देखिए राजेश तिवारी जी, हम दोस्त हैं, हम आपस में निपटा लेंगे, आप चिंता क्यों करते? नीलू बताओ ना। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों दोस्त हैं, दोस्ती दोस्ती में टक्कर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है ना? अच्छा ठीक है, तुम लोग आपस का मामला है तो देख लेना दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, दोबारा ऐसा लफड़ा नहीं चाहिए इधर, ध्यान रखना। हाँ। नहीं होना चाहिए ऐसा। थैंक यू अंकल। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी। दिलू मैं एक बात कहूं, वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, तुम तो इतनी अच्छी ड्राइवर हो, इतनी अच्छी ड्राइविंग कर लेती हो, है ना? थैंक्स विशाल। वैसे विशाल एक बात कहूँ? हाँ कहो ना। गलती एक्चुअली तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें काफी काफी खराब ड्राइवर हो। आई थिंक तुम्हें थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहिए, शायद तुम मेरे लेवल के ड्राइवर बन जाओ। बाय। यू लो आर्यन, मैं तुम्हारे लिए जूस। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि संडे है, हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो। सोचा तो था लेकिन कुछ जरूरी काम है जो घर में नहीं हो पाएगा। दुर्गा, कुछ जरूरी चीजों के बारे में सोचना है मुझे। जरूरी बात? हाँ, मैं वो एक मेडिकल जर्नल में एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, बस उसी के बारे में डिटेल में सोचना है। अरे रुको, ये शर्ट पहन के जाओगे? इसका बटन निकला हुआ है। ओह गॉड, मैं चेंज कर लेता हूँ। अरे नहीं रुको, मैं बटन लगा देती हूँ। मैं एंटीसेप्टिक लूं? अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। और जहाँ इतना प्यार हो वहाँ ऐसी छोटी छोटी बातों से दर्द कहाँ होता है? कई बार ये छोटे छोटे दर्द बहुत बड़ी तकलीफ बन जाते हैं। तो फिर मैं उन तकलीफों से क्यों डरूं? तुम जाओ मेरे साथ,
मेरा ख्याल रखने के लिए। दुर्गा, कई बार हम इन तकलीफों को शुरुआत में देख नहीं सकते या फिर हम इन्हें देखना ही नहीं चाहते, मगर जब ये तकलीफें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं तब बहुत देर हो जाती है। जैसे इस वक्त मुझे जाने के लिए देर हो रही है। हाँ दुर्गा, मुझे रात को देर हो जाएगी, खैर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम होती किधर हो रात को घर पे? हॉस्पिटल जाना होगा ना तुम्हें, अपने पापा के पास। हाँ आर्यन, मैं भी यही चाहती हूँ कि पापा जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाएं, ताकि मैं अपना सारा समय तुम्हारे साथ बिता सकूं। और नहीं दीदी, नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी से कोई झूठ नहीं बोला, और आज मैं अपने आर्यन से ही झूठ बोल रही हूँ। कैसा झूठ दुर्गा? जिस झूठ में किसी की भलाई छुपी हो वो झूठ नहीं होता, और ये झूठ तुम आर्यन की भलाई के लिए कह रही हो। आप जो कह रही है वो ठीक है दीदी, लेकिन ये बात मैं आर्यन को तो नहीं बता सकती ना। पता नहीं क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में, और कितनी रातें मैं उसे ऐसे बहाने बनाती रहूंगी, झूठ बोलती रहूंगी। और दीदी, अब तो मुझे उसकी आंखों में अपने लिए शक नजर आने लगा है। नहीं दुर्गा, ये तुम्हारा वहम है। नहीं दीदी, ये मेरा वहम नहीं है। मुझे तो यही डर लगा रहता है कि अगर आर्यन ने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी उसे कि मैं क्यों उससे ऐसे दूर दूर रहती हूँ। और दीदी, अब तो ये दूरियां हमारे रिश्ते में दरार बनकर उभरने लगी हैं। अरे बेटा तुम। नमस्ते पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ ना? ठीक रही आप तो, बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। आप डॉक्टर से डिस्चार्ज की बात क्यों नहीं करते? बेटा बात तो हुई थी, डॉक्टर्स लोग मुझे डिस्चार्ज करने वाले थे। पता नहीं दुर्गा ने डॉक्टर से क्या कहा कि इन लोगों ने अपना अचानक फैसला ही बदल लिया। कहने लगे कि आप अभी घर नहीं जा सकते, आपको तो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। बेटा एक बात कहूं, मुझे तो इन डॉक्टर्स की बात ही समझ में नहीं आई। आप डॉक्टर को नहीं समझ पाते, डॉक्टर पेशेंट्स को नहीं समझ पाते, और कभी कभी पेशेंट्स के रिश्तेदारों को भी। मैं चलता हूं पापा। अच्छा बेटा, नमस्ते। अरे पापा, आपकी बात नीलिमा से हुई? हाँ बेटे, अभी बात हुई है। वो कह रही थी कि अभी आ जाइए, दोपहर का खाना साथ में खा लेंगे। अरे लेकिन पापा, अभी कैसे जा सकते हम लोग? मुझे तो निशा से मिलने मार्केट जाना है, उसका कुछ प्रोजेक्ट वर्क है, उसी के लिए शॉपिंग करनी है मुझे। बेटे तुम एक काम करो, निशा के साथ चले जाओ। परीक्षित और मैं खुशी को लेकर नीलिमा के घर चले जाएंगे। भाई ऐसा ना कि मैंने उससे वादा किया है मुझे उसे ले जाना पड़ेगा। तुम बेटे एक काम करो, उसे तैयार कर दो। ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे खुशी,
ये तो अपने आप ही तैयार हो गई। लगता है खुशी को नीलिमा के घर जाने की बहुत जल्दी है, इंतजार भी नहीं कर सकी। सुमित्रा एक बात बताऊं तुम्हें, ऐसे विश्वनाथ कॉलेज में मेरे से एक दो साल ही सीनियर था, लेकिन लड़की के मामले में ये बहुत ही लकी था। कॉलेज से निकलते ही इसने शादी कर ली थी। अरे हम सबका हीरो बन गया था ये। ओह रियली? हाँ भाई, बहुत बरसों तक मुझे इन लोगों की जलन होती थी कि मैं कैद हो गया और ये लोग आजाद घूम रहे। ऐसे विश्वनाथ वक्त कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे मैं यूं कहूंगा कि वक्त को हमने यूं ही बीतने दिया। देखो ना, इतनी पुरानी जान पहचान है हमारी, लेकिन बातें इतनी बार की है हमने हमारी पार्टनरशिप के बारे में, लेकिन बात सिर्फ बातों तक ही रह गई। या कैसी पार्टनरशिप? वो देखिए ना भाभी जी, मैंने विश्वनाथ को कितनी बार बोला कि भाई उसके पास अक्ल है, नॉलेज है, मेरे पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए ना, अगर विश्वनाथ की अक्ल और हमारा जरिया दोनों हाथ मिला ले तो हम लोग एक फार्मास्यूटिकल यूनिट तो खोल ही सकते हैं। भाभी जी, हम दोनों मिलकर बहुत कमाल कर सकते हैं। या रियली, यू राइट। अब छोड़ो भी आदित्य ये सारी बातें। अरे भाई, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं। लेट्स एंजॉय दिस मीटिंग। ये काम की और पार्टनरशिप की बातें तो कल परसों कर लेंगे। हनी, क्या वापस कल पे बात डाल दिया आपने भी? आहा, और कल तो वैसे भी आप लंदन जा रहे हैं ना, फिर पता नहीं कब वापस लौटेंगे। आप लंदन जा रहे हैं? Oh, I miss London so much. Actually, वहाँ पे मेरी कितनी सारी friends हैं। रिधि, तुम्हें पता है मुझे इंडिया में सेटल होने के लिए कितना वक्त लगा? Actually, London is of my type, you know. Oh, 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 yeah. Actually, Sumitra, तुम्हें London से कुछ भी मंगवाना हो ना, anything you want to shop, तुम मुझे list दे सकती हो। Oh, really? Thank you so much. पिछले एक बार बताओ, मुझे औरतों की एक बात से बहुत सख्त परहेज है, उनका shopping list. हाँ हाँ नीलू बेटा, खाना तैयार हो गया है, बस प्लेटें ही लगा रही हूँ। तेरा और उन लोगों का इंतजार ही हो रहा है, जल्दी आ। ओके। नमस्ते जी। आप नीलिमा की माँ है? जी हाँ। मेरे दोस्त परीक्षित। नमस्ते। नमस्ते। मिले थे ना उस दिन आप ही के साथ मंदिर में। जी। हाय कुची, हाउ आर यू? कम आइए ना, आइए। आओ परीक्षित, आओ। आइए। आओ परीक्षित। जी। बैठे। बैठो। मैं हैरान हूँ ये जानकर कि जाने अनजाने में आपके और खुशी के रास्ते इतने मिलते रहे हैं। देखिए ना, नीलिमा और खुशी थोड़े दिनों में एक दूसरे के कितने करीब आ गए। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि आप नीलिमा की माँ हैं। कहाँ हो तुम बेटा? अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आए मम्मा।
आप खाम-खाम परेशान हो रही हैं। हम तो आपसे बहस मिलने आए थे और आप खाना बना रही हैं। खाना बनाने में क्या तकलीफ? खाना बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे बोरिंग लगता है टेबल सजाना। और वो काम मेरी बेटी मुस्कान क्या करती थी, दोनों वक्त टेबल वही सजाया करती थी। खुशी ये सब कैसे जानती है? वो पूजा में आई थी ना आपके घर, तभी देखा होगा। बच्चे हमेशा सब कुछ याद रखते हैं। हो ही नहीं सकता, पूजा वाले दिन तो टेबल पे खाना लगा ही नहीं था। फिर खुशी कैसे जानती है कि कांटे चम्मच कहाँ रखे हैं, कौन सी चीज कहाँ है? वो तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो घर की हर चीज से वाकिफ हो। ये बताओ खुशी कि तुम्हें कैसे पता कि सब चीजें कहाँ रखी हुई हैं? बताओ ना, तुम्हें कैसे मालूम कि किस ड्रॉअर में कांटा है, चम्मच है, कैसे पता चला?